हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। आइए दिखाता हूं आज के इस क्लास में क्या नया है। देखिए यहां पर अलग अलग डेट लिखे हुए हैं, जैसे 1/6/2024, अब तो ये आने वाला है 1/6/2024। तो अगर मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आप बता सकते हैं एक्सेल का यूज करके कि 1/6/2024 को कौन सा दिन था, तो आप क्या करेंगे? आप कैलेंडर उठाएंगे, यहां से ओपन करेंगे कैलेंडर, और कैलेंडर उठा करके फिर देखना चालू करेंगे। तो ये एक्सेल में तो आपने नहीं किया, आपने कैलेंडर की मदद से किया, तो इसे एक्सेल की मदद से कैसे करेंगे? तो बड़ा आसान है। देखिए एक बार आप समझ लेंगे तो ये तुरंत 10 सेकंड में चीजें कर पाएंगे। ठीक है, कैसे, आइए दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए कि यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगाइए। यहां पर देखिए, यहां पर पता करना है ना, जितने भी डेट्स पता करने हो एक ही बार में पता हो जाएगा। कैसे, यहां पे इज इक्वल टू लगाइए, इज इक्वल टू का निशान लगाने के बाद यहां पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, टेक्स्ट का फॉर्मूला जैसे ही यूज करेंगे तो इससे डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया, अब यहां पर क्या करना है, क्योंकि हमको दिन पता करना है तो यहां पर कॉमा लगाइए और डबल डॉट कॉमा में चार बार लिखिए डी। कितनी बार, चार बार डी लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और अब एंटर प्रेस करना है। तो देखिए 1/6/2024 को सैटरडे होगा ये बता रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी डेट्स यहां पे दी गई हैं, जैसे 1/5/2023 को क्या रहा होगा, तो मंडे रहा होगा। ठीक है, आप इसको टैली भी कर सकते हैं, अपना आपका जो भी कैलेंडर है आपके पास उसको टैली करके आप मैच कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही आएगा। क्लियर है, ओके।